हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फोर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी हम लोग भारतीय इतिहास के टॉप 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप इस वीडियो का फ्री PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या तो फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से भी फ्री में आसानी से इसका PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। अलबरूनी एक प्रसिद्ध इतिहासकार, खगोलशास्त्री, तर्कशास्त्री और गणितज्ञ था। यह महमूद गजनवी के साथ 11वीं सदी में भारत आया था। इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद। इस पुस्तक से तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुल्तान चौगान खेलते समय मारा गया था? तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े पर से गिरने के कारण हो गई थी। चौगान खेल को आधुनिक समय में हम पोलो खेल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश जो था वह कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? तो वह थे आर्यभट्ट। ठीक है, गुप्त काल में आर्यभट्ट एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणित के विद्वान थे। आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इन्होंने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। पाई की खोज, जिसे हम लोग गणित में यूज करते हैं, तो पाई की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है, शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था, आर्यभट्ट ने ही। अगला प्रश्न है, मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? तो मार्लो मिंटो सुधार बिल यह वर्ष 1909 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? तो ये तुलु वंश के शासक थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा राजराज प्रथम था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी भारत सेवक समाज की स्थापना। इसकी स्थापना इन्होंने कब की थी? 1905 ईस्वी में की थी। ठीक है, 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है यह कथन किसका है? तो भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है यह कथन महात्मा गांधी का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कामसूत्र के लेखक कौन है? तो कामसूत्र के लेखक हैं, पुस्तक कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है। ठीक है, वात्स्यायन। अगला प्रश्न है, देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल 108 उपनिषद हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था, रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ? तो देखिए, स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था, फिर बाद में रियासत का दर्जा 1950 ईस्वी में खत्म हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने शुरू किया था। उस समाचार पत्र का नाम क्या था जिसे इन्होंने प्रकाशित किया था? तो उसका नाम था बंगाल गजट। क्या नाम था? बंगाल गजट।
बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। इसके प्रकाशक कौन थे? तो कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। ठीक है, बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? 1780 में हुआ था। 1780 में यह एक साप्ताहिक पत्र था। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम समाचार एजेंसी कौन थी? तो भारत की प्रथम समाचार एजेंसी दी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह जो कि वर्ष 1921 ईस्वी में हुआ था, तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। यह विद्रोह मोपला मुसलमानों के द्वारा स्थानीय जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध किया गया था। मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? तो मोपला विद्रोह के नेता अली मुसलियार थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है इसे ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है? तीसरे मंडल से लिया गया है। ठीक है, तीसरे मंडल से लिया गया है गायत्री मंत्र को। और यह जो है गायत्री मंत्र यह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि थे। ठीक है, कपिल मुनि थे सांख्य दर्शन के प्रतिपादक। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? गौतम थे। और योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि थे। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। मनुस्मृति यह सबसे पुराने स्मृति है। इसके लेखक कौन है? मनु है। जातक या जातक कथाएं यह बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भाग है। जातक कथाएं जो है बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भाग है। इन कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो गुलरुखी के उपनाम से कविताएं सिकंदर लोदी लिखा करता था। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? इसी ने की थी, सिकंदर लोदी नहीं। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने कब की थी? 1504 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया था। इतिहास का पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो यह हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अंत में आपके लिए क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में की है? तो इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।